और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नोएडा के पॉश माने जाने वाले सेक्टर 44 से, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि आज अब से कुछ देर पहले नोएडा सेक्टर 44 में इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। लूट के इरादे से आए तीन बदमाशों ने पहले गार्ड को गोली मारी और फिर लूट के इरादे से घर में घुसकर दो महिलाओं पर हमला बोल दिया। दिल्ली एनसीआर में इस कांड के बाद सनसनी मच गई और खासतौर से अगर नोएडा की बात करें तो वहां पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। अगर नोएडा के सबसे पॉश इलाके में जहां पर लोग अपने प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखते हैं, आप पुलिस की गश्त उनकी गाड़ियां तो छोड़ ही दीजिए, वहां लोगों ने अपने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं और ये बात हर किसी को मालूम है और जाहिर सी बात है कि अपराधियों को भी ये बात मालूम होगी, लेकिन फिर भी जरा सोच कर देखिए कि उनके हौसले किस कदर चाक चौबंद हैं, किस कदर बुलंद हैं। उन्हें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि वो पकड़े जा सकते हैं और इसीलिए वो जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां पर इतनी खुद की प्राइवेट निजी सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, उसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने इस अपराध को, इस वारदात को अंजाम देने में किसी भी तरह का कोई डर नहीं बरता, कोई गुरेज नहीं किया। इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त दीपक सिंह रावत इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, इस घटनाक्रम पर और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्योंकि अपने आप में सवाल खड़े कर रही है पुलिस प्रशासन के खौफ पर, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर लोग अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं, कैमरे भी लगा के रखते हैं, क्योंकि बहुत पॉश इलाका है नोएडा का, और उसके बावजूद भी अपराधी अगर इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम देने में डरते नहीं है तो सवाल नोएडा पुलिस पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर। जाहिर तौर पर सवाल तो खड़ा उठता ही है, जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है वो भी एक तरीके से बड़े आराम से लोग आए हैं, दो से तीन लोग एसएसपी साहब ने खुद कंफर्म किया है। तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में टीना रहती हैं, वो करीबन 70 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र है ऐसा बताया जा रहा है। साथ में उनकी नौकरानी घर पर मौजूद थी, 1:30 से 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो घर पर थे। इस दौरान तीन लोग पहुँचते हैं, एक सेंट्रो कार वाइट कलर की और एक बाइक भी यहाँ पर आती है, उसमें से तीन लोग निकलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम प्लम्बर हैं और हमको शिकायत मिली थी इसलिए हम काम करने आए हैं। तो ऐसे में जब वो अपने दामाद को फ़ोन करती हैं जो उस वक्त ऑफिस में थे, कारोबारी हैं, तो वो उनको कहता है कि कोई प्लम्बर मैंने नहीं बुलाया है। जैसे ही वो रिएक्ट करती हैं इसी दौरान वो उन पर हमला कर देते हैं, हमला बट से किया जाता है, बंदूक की बट से, इसलिए वो घायल हो जाती हैं। साथ में नौकरानी जब चीख के बाहर आती हैं तो नौकरानी को भी पीटा जाता है। इसके बाद क्योंकि फ़ोन जो है वो कनेक्ट था दामाद के साथ, फ़ोन पर बातचीत हो रही थी, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें सुन ली। जैसे उन्होंने सुना तो उन्होंने तुरंत कॉल किया आस पड़ोस के लोगों को, आपको दिखा दें पूरी कॉलोनी यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएगी, पॉश कॉलोनी मानी जाती है। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को फोन किया, जो गार्ड का नंबर उनके पास अवेलेबल था उसको फोन किया, वो तुरंत भाग के आया। जैसे ही गार्ड ने उसके साथ छीना झपटी की, उस गार्ड पर भी गोली दाग दी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, एसएसपी पर भी काफी सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं इस कॉलोनी को कमर्शियल नहीं बनाया जा सकता, ऐसे आदेश है नोएडा में। लेकिन आप अगर ऊपर की तरफ देखें, ऊपर वाला फ्लैट, उसमें पीजी चल रहा है, काफी 4 से 5 लड़के रहते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर लड़के लड़कियों को आने में कोई रोक टोक नहीं थी, गार्ड ज्यादा पूछताछ नहीं करता क्योंकि पीजी में किस किस का आंकड़ा अपने पास रखें। तो ये भी एक बहुत बड़ी चूक इसी वजह से भी हो सकती है कि गार्ड ज्यादा पूछताछ नहीं करता है गेट पे कि कौन आ जाए कौन नहीं आ जाए, क्योंकि अपना किसी का फ्लैट हो तो शायद पूछताछ भी हो, लेकिन पीजी में इस तरीके से लोगों ने दे रखे हैं। कोई कह रहा था कि आगे रेस्टोरेंट भी खुले पड़े हैं जबकि इस तरीके की इजाजत नहीं है। एसएसपी साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन हम इस पर बात जरूर करेंगे। चलिए, तो सवाल यहाँ पर एसएसपी साहब जो है अपनी जिम्मेदारी से वो यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई तयबाजारी की दुकान लगा लेता है तो वहां पर तुरंत पुलिस की गाड़ी उसे हटाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन पॉश इलाके में अगर आप तमाम नियम कायदे कानूनों पर ताक पर रखकर अगर आप पीजी चलाते हैं या फिर रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आप वहां पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, रेस्टोरेंट खोलने वाले भी और पीजी पर देने वाले भी, तो कहीं ना कहीं आपकी साठगांठ की भी यहां पर सवाल खड़े होते हैं, ऐसी आशंका नजर आती है। दीपक, सवाल यहां पर यह भी है कि अगर हम सही समझें तो इस पूरी कॉलोनी में लोगों ने अपने निजी सुरक्षा गार्ड भी रखे हुए हैं और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं कई घरों के आसपास, तो उसके बावजूद भी अगर कोई दिन दहाड़े इस अपराध को अंजाम देने की सोचता है तो सीधे सीधे वो चुनौती दे रहा है पुलिस को। जी, जाहिर तौर पर पूरा मामला कुछ ऐसा ही दर्शाता है। आपको बता दें ये पूरा फ्लैट है, इस फ्लैट के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे थोड़ा आगे जाएंगे तो उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। पुलिस को ये बात पता चली, पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने की कोशिश कर रही है और इसी फ्लैट में नहीं बल्कि जितने भी आस पास आप जितने भी फ्लैट्स देख रहे हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है। ये तीनों जो लोग आए थे ये मेन गेट से आए थे, मेन गेट पर दो दो तीन तीन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 4 से 5 गार्ड आपको मौजूद नजर आते हैं जो हर गाड़ी की चेक करते हैं। आमतौर पर जब हम भी यहाँ पहुँचे थे तो हमारी गाड़ी को भी चेक किया गया, हमसे पूछा गया कहाँ जाना है। ऐसे में भी तीन लोग आते हैं, गोली चला के चले जाते हैं,
दो लोग फरार हो जाते हैं, हालांकि एक जो बदमाश है वो पकड़ा गया है। तो ये सवाल जरूर खड़े करता है कि इतनी आराम से तीन लोग पहुंचते हैं, बंदूक साथ में लिए होते हैं, अगर गाड़ी की चेकिंग करते हैं तो आप क्या चेक करते हैं? जब बंदूक लेके आदमी पहुंच जा रहा है, एक आदमी को जान से मार के निकल जा रहा है, तो ऐसे में नोएडा के SSP साहब आराम से आते हैं और कहते हैं कि नहीं, सुरक्षा तो हमने दी हुई है, लेकिन चूक कैसे हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जाँच करेंगे और जाँच की रिपोर्ट आती रहेगी। ऐसे में हादसे पे हादसे होते हैं, सिर्फ जाँच की बात कही जाती है। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर सवाल नोएडा पुलिस के कामकाज को लेकर भी उठ रहा है। उनकी एक खौफ जो होता है हमारे समाज में, विजिबल पुलिसिंग नहीं है, ये बात वक्त वक्त पर उठती रही है, और उसी वजह से विजिबल पुलिसिंग ना होने की वजह से अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है कि NCR रीजन जितनी तेजी से बढ़ा है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उतनी मुस्तैदी से दुरुस्त नहीं है, चाहे फिर वो गुड़गांव हो या फिर नोएडा।